दोस्तों आज हम अपने वेट लॉस प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत करते हैं। मैं आपको आज फिर से बताऊंगा कि अपने वजन को कैसे जल्दी से जल्द कम किया जाए। हमारे कुछ व्यूवर्स की मांग पर आज हम ये वाला नुस्खा लेकर आए हैं। जैसा कि दोस्तों हमने आपको कुछ एक्सरसाइजेज भी बताई हैं, कुछ खाने की होम रेमेडीज भी बताई हैं, कुछ एक्सटर्नल यूज की चीजें भी बताई हैं, पर उसके साथ ही आज मैं आपको एक ऐसा नायाब नुस्खा बताऊंगा जिसको ना तो आपको खाना है, ना लगाना है, ना ये किसी प्रकार की एक्सरसाइज या योगा है। ये एक ऐसा अचूक नुस्खा है। इस नुस्खे से आप बिना किसी साइड इफेक्ट के अपने अधिक वजन को कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, जैसे ही हम सुबह उठते हैं खाली पेट हम कुल्ला करते हैं पानी से, पर आज मैं आपको अपने वीडियो में जो बताऊंगा वो कुल्ला आपको पानी से नहीं करना है, बल्कि मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिनसे कुल्ला करने से आपका वजन घट जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि ये काम कैसे करता है, इसे आपको यूज कैसे करना है, किन किन बातों का इसमें ध्यान रखना है। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से और किन चीजों से आपको कुल्ला करना है। दोस्तों आयुर्वेद में इस नुस्खे को आयल पुलिंग कहते हैं। दोस्तों जो नुस्खे हम आयुर्वेद में इस्तेमाल करते हैं वो जरूरी नहीं है कि हम बीमार हों तभी इस्तेमाल करें। हम अपने शरीर को हष्ट पुष्ट और स्वस्थ रखने के लिए स्वस्थ रूप से भी उन नुस्खों को इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर हमारा वजन ज्यादा नहीं है तो भी हम इस नुस्खे का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है सिर्फ वही इंसान इस नुस्खे का इस्तेमाल करे जिसका वजन ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि ये हमारे वजन को बढ़ने से रोकता भी है और हमारे को एक स्वस्थ और सुडोल शरीर भी देता है। तो दोस्तों अब मैं आपको इस आयल पुलिंग के बारे में बताता हूँ। ये आयुर्वेद में एक डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया है जिससे हमारा पूरा शरीर डिटॉक्सिफाइड हो जाता है। दोस्तों इसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं तिल का तेल, या फिर ऑलिव ऑयल, या फिर रोगन गुल यानी बादाम का तेल, या इसके अलावा हम इसके अंदर नारियल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब के अपने अलग अलग फायदे हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमें ये आयल पुलिंग करनी कैसे है। इसे करने के लिए सबसे पहले इसका जो उचित समय है वो सुबह खाली पेट होता है। जैसे ही हम सोकर उठते हैं तो उठते ही कोई भी तेल ले लीजिए, जैसे तिल का तेल लेके उसे मुँह में भरकर सिर्फ इतना भरे कि कुल्ला आसानी से हो सके, और उससे कुल्ला करना है। कुल्ला लगभग 15-20 मिनट तक आपको खुद महसूस होगा कि तेल की बजाय आपके मुंह में पानी है, और 15-20 मिनट कुल्ला करके आप उस तेल को फेंक दीजिए। दोस्तों इस कुल्ले के यानी डिटॉक्सिफिकेशन के काफी फायदे होते हैं। इससे जो हमारे मुंह में बैक्टीरिया होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। हमारे मुंह की दुर्गंध, दांतों की खराबी, पीलापन, दांतों का कीड़ा सब खत्म हो जाता है। दोस्तों इस डिटॉक्सिफिकेशन यानी आयल पुलिंग से जो हमारे शरीर की प्रक्रिया है वो उचित रूप से चलने लग जाती है। हाँ दोस्तों, जो हमारी पाचन शक्ति है वो सुधर जाती है। जैसा कि मैं आपको अपनी पहली वीडियोज में भी बता चुका हूँ, अगर हमारी पाचन शक्ति दुरुस्त होगी तो हमारा वजन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हम जो भी चीज खाते हैं अगर हमारा पाचन तंत्र उसे फैट में तब्दील कर देता है तभी हमारा वजन बढ़ता है। अगर फैट की बजाय हमारा पाचन तंत्र उन खाई हुई चीजों को एनर्जी में तब्दील करे तो वो हमारे को एनर्जी देगा, ना कि सुस्ती और ना कि फैट। हाँ दोस्तों, अगर हमारी खाई हुई चीज एनर्जी में तब्दील हो तो हमारा वजन नहीं बढ़ेगा बल्कि एनर्जी लेवल बढ़ेगा। आपने देखा होगा जिन व्यक्तियों का वजन ज्यादा होता है वो उतने ही ज्यादा सुस्त होते हैं, वो एनर्जेटिक नहीं होते, क्योंकि उनका एनर्जी लेवल बहुत कम हो जाता है। वो सिर्फ उनके मेटाबॉलिज्म सिस्टम के कारण ही होता है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र अच्छे से काम नहीं कर पाता। पर जो मैं आपको आज ये नुस्खा बता रहा हूँ, जो ये आपको आयल पुलिंग का तरीका बता रहा हूँ, ये करने के बाद आपका पाचन तंत्र बहुत अच्छे से काम करेगा। आपको पेट संबंधी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि पेट संबंधी प्रॉब्लम भी मोटापे का एक बहुत बड़ा कारण होती है। अगर हमारा पेट अच्छे से साफ ना हो पाए तो भी हमारा मोटापा यानी पेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसे हम आम भाषा में गैस की प्रॉब्लम या कब्ज की प्रॉब्लम भी कहते हैं। तो उन प्रॉब्लमों से भी आपको इस ऑयल पुलिंग से आराम मिलेगा। हाँ दोस्तों, इन सब तेलों का अपना अपना अलग महत्व है कि आपको ऑयल पुलिंग किस तेल से करनी है। अगर आप तिल के तेल से ऑयल पुलिंग करते हैं तो आपको फ्रेशनेस महसूस होगी, आप देखेंगे कि आपके मुंह की बदबू खत्म हो गई है और आपके जो अंदर के बैक्टीरिया हैं, जो आपको नुकसान पहुंचाने वाले तत्व हैं, वो इस ऑयल पुलिंग के कारण खत्म हो गए हैं और आपका एनर्जी लेवल भी बढ़ गया है। क्योंकि किसी भी तेल से हम ऑयल पुलिंग करें वो हमारे पाचन तंत्र को तो ठीक करता ही है। इसी
प्रकार से अगर हम बादाम के तेल से ऑयल पुलिंग करते हैं तो इसमें ओमेगा 3 भरपूर मात्रा में होता है और ओमेगा 3 हमारे दिमाग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हाँ दोस्तों, अगर हम बादाम के तेल से ऑयल पुलिंग करते हैं तो हमारा दिमाग शांत रहता है, साथ में हमारी याददाश्त की जो शक्ति है वो बढ़ती है, एकाग्र शक्ति है वो बढ़ती है और पाचन शक्ति तो जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ वो तो बढ़ेगी बढ़ेगी। तो दोस्तों, आप कोई भी तेल यूज कीजिए पर ऑयल पुलिंग करके जरूर देखिए, आपको 2 से 3 दिन में इसका एहसास अपने आप हो जाएगा, आपके जीवन में एक अलग स्फूर्ति, अलग एनर्जी, अलग ताकत अपने आप से आ जाएगी, आप देखेंगे कि आपको इस प्रक्रिया का कितना फायदा हुआ है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा इसे अभी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं आप लोगों के सामने फिर से हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।